हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविश राज। वेलकम टू रेक्स प्लस। आइए आगे का ड्राइंग शुरू करें। यह वीडियो हाउ टू ड्रॉ ए फेस का सेकंड लेसन है। इस वीडियो का फर्स्ट लेसन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में डाल दिया हूँ। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट लेसन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। यह वीडियो हम वहीं से शुरू किए हैं जहां पर पिछला वीडियो को विराम दिए थे। यहां पर लिप्स का आउटलाइन बनाने के लिए लिप्स का कॉर्नर का पॉइंट निकाल रहे हैं। यहां दो पॉइंट्स ले रहे हैं, एक पॉइंट का मेजरिंग हॉरिजेंटल लाइन से और दूसरा पॉइंट का मेजरिंग वर्टिकल लाइन से। यह दोनों पॉइंट जिस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा हम वहां से लिप का आउटलाइन निकाल लेंगे। फिर यहां ऊपर वाला लाइन के रिस्पेक्ट में लिप्स का दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। फेस का साइड का आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इनिशियल पॉइंट को निकालें, उसके बाद नोज़ के पास से एक पॉइंट निकालेंगे, फिर उसके बाद लिप के पास से एक पॉइंट निकालेंगे, फिर सारे पॉइंट को एक दूसरे से लाइन के थ्रू मिला देंगे और हमारा साइड का आउटलाइन निकल आएगा। अगर हम बताते जा रहे हैं और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ड्राइंग सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ड्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हम किसी भी ड्राइंग में जितना ज़्यादा समय देंगे हमारा ड्राइंग उतना ही बेहतर बनेगा और ज़्यादा डिटेलिंग भी डाल पाएंगे। क्योंकि ड्राइंग करते वक्त हम लोग पहले ही पेशेंस खो देते हैं, जिससे कि हमारा ड्राइंग पूरा डिटेल के साथ नहीं बन पाता है। ड्राइंग में थोड़ा मेहनत और टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए हमारा ड्राइंग अच्छा बन पाता है। जैसे इस साइड का आउटलाइन को हम मेज़र कर रहे हैं तो फिर देख पा रहे हैं कि हमने कुछ गड़बड़ पाया, जैसे कि ईयर का जो शेड डाले हुए हैं वो लाइन से मैच नहीं कर पा रहा। तो एक बार हम फिर से वेरीफाई करते हैं। जैसे वेरीफाई किए तो पता चला कि लाइन मेरा थोड़ा आगे जाएगा, जैसे कि कान को ही देख लें तो ये भी थोड़ा लाइन आगे जा रहा है, तो इसे हम रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। हाँ, इस बार कान मेरा सही से बन पाया है। कान के अंदर में भी आउटलाइन डाल देते हैं। गर्दन का आउटलाइन बनाने के बाद इसे भी वेरीफाई कर लेंगे। पहले लिप के पास से इसका मेज़र करेंगे तो मैच कर गया, और फिर चिन के थोड़ा ऊपर यहाँ पे थोड़ा आगे जाएगा लाइन।
ड्राइंग में जो आगे ड्रेस वाला पार्ट है, इसे मैं फ्री हैंड ही बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में हमने आउटलाइन ड्राइंग सीखा है और नेक्स्ट वीडियो में हम पेंसिल से शेडिंग करना सीखेंगे और आगे भी हम ऐसा ही वीडियो और भी लाने वाले हैं। और हाँ, इसका लेसन 1 देखना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।